Until now, you've tried to explore different features of WordPress, क्योंकि WordPress की built-in features हैं या साथ साथ WordPress में किसी तरह से integrate होती हैं. These could be features like CSS, these could be features like how to add a slider, these could be features like भाई आप users की profile कैसे edit कर सकते हैं या change कर सकते हैं, और features like आप setting में जाके कैसे चीज़ें change कर सकते हैं, पोस्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, पेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं, हाउ यू कैन यूज़ बिल्डर्स, हाउ यू कैन यूज़ थीम्स, हाउ यू कैन यूज़ प्लगइन्स और इवन फाइल मैनेजर्स. डिफरेंट तरह की चीज़ें आप वर्डप्रेस में कर सकते हैं. दैट्स व्हाट यू हैव लर्नड सो फार. बट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक आई वॉन्ट टू टीच यू समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, एंड दैट इज़ अबाउट ईमेल मार्केटिंग. ईमेल मार्केटिंग का लफ्ज़ आपने शायद बहुत ज़्यादा सुना हो. ईमेल मार्केटिंग क्या है? ईमेल मार्केटिंग इज़ टू सेंड अ मैस ईमेल टू अ लॉट ऑफ कस्टमर्स और प्रस्पेक्टिव कस्टमर्स और यूज़र्स एंड एक्सपेक्ट कि वो उस पर किसी तरह का एक एक्शन लेंगे थ्रू योर कॉल टू एक्शन. तो जब भी आप एक ईमेल सेंड करते हैं, आप किसी को कोई ना कोई चीज़ कम्युनिकेट करते हैं, और उस कम्युनिकेशन में there is an intent for action. What do you mean by intent for action? Intent for action का मतलब है कि आप expect करते हैं कि आपका user कुछ ना कुछ करेगा, या कोई ना कोई जवाब देगा, या कोई ना कोई transaction करेगा, या कोई ना कोई चीज़ purchase करेगा. इसी तरह normal email में जब ये इस तरह होता है तो you can do this on a massive scale, you can do this with the masses, and that's what is called email marketing. Let's do a recap on this. क्या है ईमेल मार्केटिंग? ईमेल मार्केटिंग इज अ वे टू कम्युनिकेट विद हंड्रेड थाउजेंड्स और इवन मिलियंस ऑफ कस्टमर्स विद द इंटेंट फॉर एक्शन. वो इंटेंट फॉर एक्शन हो सकती है कि यू वॉन्ट देम टू कम टू योर वेबसाइट और रीड एन आर्टिकल. वो इंटेंट फॉर एक्शन हो सकती है कि यू वॉन्ट देम टू कम टू योर वेबसाइट एंड डू अ ट्रांजेक्शन. इंटेंट फॉर एक्शन होना ज़रूरी है, और वो किसी ना तो किसी तरह की इंटेंट फॉर एक्शन जो है ना लाजमी होगी. हाउ डज ईमेल मार्केटिंग रियली वर्क? भाई आखिर ईमेल मार्केटिंग है, और आपको समझ भी आ गया कि ईमेल मार्केटिंग क्या है, बट हाउ डज ईमेल मार्केटिंग रियली वर्क? सो जस्ट इमेजिन द इंटरनेट, देयर आर थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स. इसी तरह पे उन वेबसाइट्स पे लोग जो आते हैं, देयर आर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स. उन लोगों के पास एक ईमेल एड्रेस है, और वो ईमेल एड्रेस उनके दिमाग की चाबी है. इफ़ यू आर एबल टू गेट समवन्स ईमेल एड्रेस, आप उस तक एक्सेस कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज पीपल इन टुडेज एज रीड ईमेल्स अ लॉट, और वो ईमेल्स रोज उठ के पढ़ते हैं, देखते हैं, एंड दैट इज़ अ वे टू कम्युनिकेट विद देम. सो हाउ डज ईमेल मार्केटिंग रियली वर्क? इज कि नंबर वन स्टेप, आपने यूजर्स के लिए एक ईमेल लिस्ट इकट्ठी करनी है. सो नंबर वन स्टेप इज टू कलेक्ट द ईमेल्स ऑफ द यूजर्स जिनको आप रीच आउट करेंगे. ये आपके पुराने कस्टमर्स भी हो सकते हैं, ये आपके पोटेंशियल कस्टमर्स भी हो सकते हैं, ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, ये आपकी फैमिली भी हो सकती है. सो द नंबर वन जॉब इज टू कलेक्ट ईमेल्स एंड क्रिएट एन ईमेल लिस्ट. नंबर टू इज टू क्रिएट अ कैंपेन. एक कैंपेन आप बनाएंगे ईमेल का, जो आप अपने प्रस्पेक्टिव यूजर्स को सेंड करना चाह रहे हैं. सो वो कैंपेन विल हैव ऑल कंटेंट, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आपके वर्डप्रेस के ब्लॉग पे कंटेंट होता है, इसी तरह आपके इस ईमेल कैंपेन में दे विल बी अ होल कंटेंट जिसपे आप बताएंगे कि क्या नई चीज़ है. और एक बिल्कुल इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कि जिस तरह सीजनल ग्रीटिंग्स जो होती हैं, सीजनल ग्रीटिंग्स ईद की हो गई, क्रिसमस की हो गई, तो उस पे आप एक कंटेंट बना के अपनी ईमेल में जो है वो उसको डालेंगे. सो दैट्स द स्टेप नंबर टू, एडिंग द कंटेंट. द थर्ड वन, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, इज द कॉल टू एक्शन.
आपको पता होना चाहिए कि आप अपने यूज़र को क्या कॉल टू एक्शन देंगे, आपको पता होना चाहिए कि आप अपने यूज़र को किस तरह से मजबूर करेंगे कि वो आपके साथ इंटरेक्ट करे और आपके साथ बात करे. दैट इज़ गोइंग टू बी सुपर क्रूशल, दैट इज़ गोइंग टू बी सुपर इम्पॉर्टेंट. ये तीन स्टेप्स अगर आपने कर लिए तो यू आर एबल टू रीच टू अ मास ऑफ ऑडियंस यूजिंग ईमेल मार्केटिंग. और ये ई कॉमर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ई कॉमर्स में यू हैव previous customers who engage with you, you have new customers who engage with you, and there is a constant struggle between keeping the old customers happy and keeping new customers or bringing new customers. So email marketing bahut zaruri hai in case of e-commerce. Iski ek example main aapko dunga, Ibrahim Toy House, jo maine aapko pehle bhi di thi. ibrahimtoyhouse.com apne users ko email marketing bhejte hain using a software called Mailchimp. और Mailchimp ही वो software है जिसको हम discuss भी करेंगे इस topic में. So Mailchimp से they are able to retarget old customers and they are able to target new customers. Retargeting क्या होती है? Retargeting होती है कि वो customers जिन्होंने already आपके साथ किसी ना किसी तरह की transaction की हुई है, आप उनको retarget करते हैं और आप उनको upsell करते हैं, आप इन्हें मजबूर करते हैं कि वो आपसे कोई ना कोई चीज़ दोबारा ख़रीदें. दिस इज़ व्हाट्स कॉल्ड एज रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग. इसके साथ साथ आप ईमेल मार्केटिंग को यूज़ इसलिए भी कर सकते हैं कि यू वांट टू टारगेट न्यू कस्टमर्स. तो अगर आपने अपनी वेबसाइट पे एक न्यूज़लेटर की ऑप्शन इनेबल की हुई है, न्यू कस्टमर्स विल कम एंड पुट इन दैट ईमेल, आपके पास एक ईमेल लिस्ट बनेगी, आप अपना कॉन्टेंट बनाएंगे, आप अपना कॉल टू एक्शन बनाएंगे, and that's how easily you will be able to create your own campaign. So is sari cheez ko karne ke liye aap software kaun se use karenge? That software name is Mailchimp, aur Mailchimp is the number one software for email marketing worldwide. Aur is topic mein hum Mailchimp ko try out bhi karenge, but sath hi sath ek do aur plugins hain jinka main mention karna chahunga, jinme se ek ka naam hai Mailmunch. Mailmunch is a really good plugin for WordPress, जिसको आप use कर सकते हैं email list build करने के लिए. और एक और जो कि मेरा favorite है, it's called SendInBlue. So SendInBlue.com भी आप use कर सकते हैं to send mass campaigns. Let's try it out, let's try Mailchimp और देखते हैं Mailchimp को कैसे use करके integrate कर सकते हैं अपनी website. So we are going to go online and we are going to search for Mailchimp. Mailchimp मैं आपको दिखाऊंगा. Mailchimp is the most trusted email marketing software. इसका एक level तक version free है, but then it gets paid. तो आपने देखना है कि आपके लिए क्या सही है. और you know it says your business was born for this, so you should do the right thing and use Mailchimp. What you can do with Mailchimp: create unique campaigns, connect with favorite tools, automate your busy work, optimize all your effort. इसके अलावा एक tool है जो कि मेरा favorite है, जिसका नाम है SendInBlue. आप सेंड इन ब्लू को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर ईमेल मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन. तो दिस अगेन इज़ गोइंग टू डिपेंड ऑन यू, ऑन हाउ यू ऑटोमेट थिंग्स व्हेन यू आर बिल्डिंग सिस्टम्स फॉर योर वर्डप्रेस वेबसाइट. सो ये आप एक है उसको यूज़ कर सकते हैं. और अब हम ये करेंगे कि हम जाएंगे अपनी वेबसाइट पे और वहाँ पे वी विल ट्राई टू ऐड दीज डिफरेंट न्यू प्लगइन्स एंड देखेंगे कि ये कैसे अफेक्ट होते हैं हमारी वेबसाइट पर. तो मैंने ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक किया एंड आई एम गोइंग टू सर्च फॉर Mailchimp. जैसे ही मैं Mailchimp सर्च करूँगा, इट विल फाइंड Mailchimp प्लगइन फॉर मी एंड इट विल गिव मी द ऑप्शन टू इंस्टॉल Mailchimp. अब आपके पास देखेंगे Mailchimp रिलेटेड बहुत सारी एक्सटेंशंस भी हैं, प्लगइन्स भी हैं, बट यू हैव टू इंस्टॉल द मेन प्लगइन विच इज़ कॉल्ड Mailchimp फॉर वर्डप्रेस. इसकी 1 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है, सो इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर प्लगइन ऑब्वियसली. And it was updated just last 2 weeks ago. Matlab, it's a very highly updated plugin and it's compatible with my version of WordPress. So I'm going to quickly click install and I'm going to see ki ye plugin activate hoke meri website mein kaise value add kar sakta hai. So it's installing and again installation fail, koi issue ho gaya, that's koi masla nahi, ye ho jata hai hamari website pe. Aur ye aapko issue ho sakta hai 000 web host app pe nazar aaye. अगर आपको इस तरह का कोई इशू हो तो आप ये कर सकते हैं, यू कैन जस्ट गो एंड डाउनलोड Mailchimp प्लगइन. आपके सामने मैं Mailchimp का प्लगइन डाउनलोड करूँगा. आई कैन जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम द वेबसाइट,
और ये मैंने आपको सिखाया हुआ भी है कि कैसे आप मैनुअली डाउनलोड करते हैं एक प्लगइन को और फिर यू कैन जस्ट अपलोड दिस प्लगइन. प्लगइन डाउनलोड हो गया है और डाउनलोड्स में आई एम गोइंग टू फाइंड दिस प्लगइन कॉल्ड मेलचिम्प. आई एम गोइंग टू ओपन इट. आई एम गोइंग टू इंस्टॉल इट. सो अगर कभी ऑनलाइन इंस्टॉल डायरेक्टली नहीं भी होता, देयर इज ऑलवेज अ वे. आपको अपनी अप्रोच बड़ी सोल्यूशन ओरिएंटेड रखनी चाहिए कि अगर कभी कोई मसला आ भी जाए या कोई इशू हो भी जाए तो आपने घबराना नहीं है. और अनपैकिंग कुड नॉट कॉपी फाइल अगेन, इस पर कोई इस वक्त इशू आ रहा है, सो आई एम गोइंग टू इग्नोर इट फॉर अ बिट. बट अपने फ्री टाइम में जस्ट गो एंड ट्राई दिस आउट. मीनवाइल हम क्या करते हैं, हम मेल मंच इंस्टॉल कर लेते हैं. सो वील ट्राई टू इंस्टॉल मेल मंच एंड वील सी हाउ दैट वर्क्स आउट. मेल मंच इज ऑल्सो वन ऑफ माई रियली फेवरेट प्लगइन्स. ये देखें मेल मंच, और ये इंस्टॉल हो गया है. हम इसको एक्टिवेट करेंगे. सो अगेन डिपेंड्स ऑन विच प्लगइन यू वांट टू इंस्टॉल, विच प्लगइन यू नो एड्स वैल्यू टू योर वेबसाइट. उसको एक्टिवेट करें, इंस्टॉल करें, देखें कि कैसे वो आपकी वेबसाइट को ज़्यादा ऑप्टिमाइज करके आपकी वेबसाइट में वैल्यू ऐड कर सकता है. सो मेल मंच हो, मेल चिम्प हो, या साथ ही साथ सेंड इन ब्लू हो, आपने डिसाइड करना है व्हाई यू वांट इट. आपने डिसाइड करना है व्हाई यू नीड इट. Based on your objective, you will decide what plugin really works for you, what plugin really creates a difference for your website. But email marketing is super critical. Email marketing is one of the main important functions of how a website really works. So email marketing ko kabhi na bhule, email marketing ko try karte rahe. Use it to grow your website, use it to connect with your customers, and use it to learn more and grow more, and to make Pakistan the number one country in the global digital economy.